तो रुचि शर्मा हमारे साथ लाइव चैट पर जुड़ चुके हैं। रुचि, ऐतिहासिक फैसला कहीं ना कहीं आया है जिसका लोगों को बेसब्री से इंतजार था। 1932 का खातियानी झारखंडी है और ओबीसी को अब 27% आरक्षण मिला है। कितनी खुशी मिल रही है इसके बाद, इस फैसले के आने के बाद लोगों में? तो रुचि शर्मा हमारे सहयोगी तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही। आपको बता दें कि हेमंत सरकार का ऐतिहासिक फैसला से खुशी है लोगों में। 1932 का ये खातिहानी ही झारखंडी की पहचान है। ओबीसी को 27% आरक्षण मिलेगा। सरकार के फैसले से लोगों में खुशी है। लोग पटाखा फोड़ रहे हैं, मिठाई बांट रहे हैं और साथ ही साथ खुशियाँ मना रहे हैं। रुचि शर्मा एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुचि, हेमंत सरकार ने ऐतिहासिक फैसला जिस तरह से सुनाया, लोगों में कितनी खुशी देखी जा रही है? बिल्कुल उर्वशी, देखिए तो झारखंड गठन जब से हुआ था यानी 2000 से ही, पिछले 22 सालों से यह मांग रही थी कि झारखंडियों को उनके वास्तविक जो हक और अधिकार हैं वो मिलने चाहिए। और कल जा करके कहीं ना कहीं, ऐसे तो 2002 की अगर बात करें, उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी थे और उन्होंने यह फैसला किया लिया था, लेकिन डोमिसाइल की आग में कहीं ना कहीं जो है झारखंडवासी झुलसे थे और उसके बाद उन्हें जो है अपने पद का भी त्याग करना पड़ा था और हाईकोर्ट में यह जो है चैलेंज हुआ था और इस आदेश को निरस्त कर दिया गया था। लेकिन फिर उसके बाद जो है 2014 में जब रघुवर दास की सरकार बनी तो उसके बाद सर्वे किया गया और सर्वे के आधार पर 1985 यानी 1985 से पहले जो लोग थे या फिर 1985 में जो लोग यहाँ पर रह रहे थे उन्हें जो है यहाँ का स्थानीय माना गया। लेकिन जैसे ही फिर महागठबंधन की सरकार बनती है वो 1985 यानी रघुवर दास ने जो स्थानीयता को परिभाषित किया था उसे निरस्त कर देती है और जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा शुरू से ही 1932 के खतिहान आधारित स्थानीय नीति की बात पर राजनीति करती आ रही थी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कुंबे से भी लगातार यह आवाज उठ रहे थे कि 1932 के आधार पर स्थानीयता को परिभाषित किया जाए। लेकिन अब जाकर के कहीं ना कहीं कल का दिन जो रहा वो झारखंड राज्य के लिए काफी अहम रहा, काफी ऐतिहासिक रहा, चूंकि राज्य सरकार ने अपना वादा पूरा किया और वहीं कई जो छोटे राजनीतिक दल है उन्हें बैकफुट पर भी लाने का काम किया। आजसू पार्टी का मेन मुद्दा जो राजनीति का रहता था वो यह होता था कि 1932 के खतिहान आधारित स्थानीय नीति को लागू करे, ओबीसी को 27% आरक्षण दे। तो इनका कहीं ना कहीं जो दो बड़े मुद्दे थे उसे महागठबंधन की सरकार ने खत्म करने का कार्य किया है और जनता के मन में जो है एक विश्वास जगाने का कार्य हेमंत सरकार के द्वारा किया गया है। इससे लेकर के सिर्फ राजधानी रांची ही नहीं, कई अन्य जो झारखंड के अन्य जिले हैं वहां पर भी दीपावली त्योहार जैसा माहौल रहा और सब अपनी अपनी जो बधाइयां हैं, खुशियां हैं वो हेमंत सरकार को जाहिर करते रहे। अब देखना होगा, चूंकि ये जो बड़ी बाजी है वो हेमंत सोरेन की सरकार ने खेली है, इसका जो प्रभाव है वो 2024 में भी देखने को मिलेगा। चूंकि ये जो 1932 के स्थानीयता के आधार पर जो नियोजन नीति हो वो लागू की जाएगी तो जो है सबसे पहले तो विधानसभा में जाएगा और विधानसभा से जो है केंद्र को जाएगा, चूंकि संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की बात कही जाएगी और जब 9वीं अनुसूची में शामिल होता है तो ये जो है कानूनी रूप से इसकी सुनवाई नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं केंद्र को भी अब देखना होगा, समझना होगा कि आदिवासी और मूलवासी के हित में क्या कुछ निर्णय लेती है, क्योंकि हेमंत सोरेन की सरकार ने यह बड़ा जो है शतरंज की बाजी अपने नाम किया है, शुरू से ही यह बात करती। हालांकि पिछले सदन में जो एक दिन का विशेष सत्र था उसमें हेमंत सोरेन ने यह कहा था कि हम इस पर कार्य कर रहे हैं, बारीकियां से कार्य चल रही है और हम इस पर जल्द फैसला लेंगे। लेकिन उससे पहले जो है जब सदन में हेमंत सोरेन ने कहा था कि 1932 पर हम जल्दी फैसला नहीं ले सकते हैं, सभी पहलुओं को देखा जाएगा। अब देखना होगा, चूंकि जो भारतीय जनता पार्टी है वो इस पर चुप्पी साध ली है और जहां तक आजसू की राजनीति थी, आजसू के पास दो ही मुद्दे थे कि 1932 का खतियान आधारित स्थानीय नीति को लागू किया जाए, ओबीसी को 27% आरक्षण मिले, तो ये दोनों मुद्दे जो है वो उनके खत्म हो गए हैं।
अब जो है कुछ मुद्दे हैं जिस पर कि 5 लाख नौकरियों की बात हो, कई ऐसे बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहें तो कहीं ना कहीं अभी इस पर चुप्पी साधी है, इस पर कुछ भी बोलने से बच रही है। आगे देखना होगा। हालांकि कुछ दिन पहले, 2 दिनों पूर्व जब हमने प्रतिक्रिया लिया था भारतीय जनता पार्टी से, तो उन्होंने कहा था कि 1932 के हम पक्ष में है, लेकिन जो डोमिसाइल की आग में झोंकने का कार्य हेमंत सोरेन की सरकार करेगी। लेकिन जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कुनबे से शिक्षा मंत्री है, उन्होंने कहा कि जनता के बीच भ्रम ना फैलाए, सभी सामंजस्य बना करके रहेंगे, लेकिन ये जो है आज की वर्तमान की जरूरत थी और काफी दिनों से यह आंदोलन चलते आ रहा था, आदिवासियों की यह मांग थी। हर राज्य की अपनी अपनी नीति है, अपना अपना डोमिसाइल है, तो झारखंड का भी होना चाहिए था, जो कि अब जाकर के सभी मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं वो बधाई के पात्र हैं, चूंकि सबने अपनी सहमति जताई है। कुछ दिन पूर्व लिए चलेंगे उर्वशी, जब कांग्रेस बिल्कुल खुशी है, लोग पटाखा फोड़ रहे हैं, मिठाई बांट रहे हैं और खुशी का इजहार कुछ इस तरीके से कर रहे हैं। चलिए रुचि, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।